ओम नमः शिवाय। वैशाख मास कृष्ण पक्ष शनिवार त्रयोदशी तिथि 8 बजे तक लगी रहेगी, तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। चंद्रमा आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चलते रहेंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी शनिदेव हैं। आज अद्भुत संयोग है, शनिवार भी है और शनिदेव का नक्षत्र भी है। शनिदेव से संबंधित किए गए उपाय आज पूर्ण फलित होंगे। शनिदेव संबंधित पूजा आराधना में त्वरित लाभ की संभावना बनती है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक सुंदर, ताकतवर, सात्विक विचारधारा वाले, धर्म को मानने वाले और अत्यंत साहसी होते हैं। ऐसे जातक उदार हृदय वाले, भावुक, धर्मनिरपेक्ष मानसिकता वाले और शांत प्रेमी होते हैं। ये सामाजिक, स्वतंत्र और मौलिक विचारधारा के भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, शनि और बृहस्पति की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज मीन राशि में चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी बृहस्पति देव हैं। आज सूर्य अपनी राशि बदल रहे हैं। आज सूर्य की संक्रांति 8:20 पर हो रही है, जो कि मीन राशि से अपनी उच्च राशि मेष में गोचर करेंगे और खर मास की समाप्ति हो जाएगी। आज से हर शुभ काम के लिए समय उपयुक्त हो जाता है। आज हम दैनिक राशिफल की चर्चा करने के बाद सिंह राशि के जातकों के अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता के लिए कुछ विशेष उपाय की चर्चा करेंगे। इसको ध्यान से सुने, नोट कर लें और उस पर अमल कर सकते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। सरकारी कामकाज में अब तक की आ रही रुकावटें खत्म होंगी और कार्य क्षेत्र में सार्थक पहल और पुरजोर कोशिश जारी रहेगी। संबंधित कामों में अनचाही यात्रा और खर्च की स्थिति संभावित है। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और उस पर होने वाले खर्चे में कमी आएगी। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। वृष राशि वाले जातकों के लिए निजी सुख संसाधनों में वृद्धि और उसके प्रति संतुष्टि की भावना विकसित होगी। पारिवारिक माहौल में हर्ष और संतोष महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में विकास की गति तेज होगी और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। नई कार्य योजनाओं में आपके प्रयास और बुद्धि कौशल से लाभ की संभावना बनती है, मगर पत्नी के स्वास्थ्य के प्रति चिंता बढ़ेगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मन मुताबिक मिलता रहेगा। संतान पक्ष की अनुकूलता बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्साहवर्धक रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी और स्वयं के स्वास्थ्य पर सावधानी अपेक्षित है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र से संबंधित संजीदगी बनी रहेगी। सकारात्मक उत्साह बढ़ा रहेगा और काम करने की गति मन मुताबिक बनी रहेगी। आपके प्रयासों में शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा और साझेदारी के कामों में नए प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं। अभी तक सरकारी कामकाज में जो रुकावटें बनी हुई थीं, सूर्य के उच्च राशि में होने से संबंधित समस्याएँ दूर हो जाएंगी और आर्थिक लाभ के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में आ रही रुकावटों में सुधार होगा। धार्मिक भावना बलवती होगी और भाग्यवश काम अच्छे होंगे। नौकरी करने वाले जातकों के पदोन्नति के अवसर सामने आएंगे या मन मुताबिक जगह भेजे जा सकते हैं और विभागीय अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा, मगर अधीनस्थ कर्मचारियों से तालमेल में कमी और वैचारिक भिन्नता की संभावना बनती है। आर्थिक लाभ के नए अवसर सामने आएंगे और कार्य क्षेत्र के विकास में सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। सिंह राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र से संबंधित प्रयास बना रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का संकेत मिलता है।
सरकारी विभागों से संबंधित कामकाज में अनुकूलता मिलेगी, पहले के रुके हुए काम संपन्न हो सकते हैं और शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में यात्रा या प्रवास की स्थिति संभावित है, हालांकि आपका दृढ़ विश्वास और अधिकारियों की प्रेरणा संघर्ष के रास्तों को सुलभ बनाएंगे, मगर नए प्रस्ताव और साझेदारी के कामों के लिए आज का दिन उचित नहीं होगा। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है, अपने प्रयास जारी रखें। कन्या राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र से संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति होगी और रिश्तेदारों से सहयोग बना रहेगा। नई कार्य योजनाओं के लिए आज का दिन अनुकूल है। संबंधित कामों में मित्र व रिश्तेदारों से आर्थिक सहयोग और सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। ससुराल पक्ष से भी सहयोग की संभावना बनती है। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। साझेदारी के कामों में भी अनुकूलता बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान देना पड़ेगा और आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श लेते रहें। तुला राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियां अपेक्षित हैं। आपके आत्मविश्वास और मनोदशा में भी उतार चढ़ाव संभावित है, हालांकि आपके प्रयासों में कोई कमी नहीं रहेगी और विभागीय अधिकारियों का सहयोग जारी रहेगा। साझेदारी के कामों में अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी और लाभदायक बनी रहेगी। आर्थिक क्षेत्र सामान्य रहेगा और परिश्रम के अनुरूप आय की स्थिति बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी पड़ेगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र से संबंधित आ रही रुकावटें दूर होंगी या रुकी हुई कार्य योजनाएं पूरी होंगी और विकास का मौका मिलेगा। साथ ही साथ सरकारी विभाग से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। विभागीय मामलों में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। साझेदारी के काम कुछ दिन के लिए स्थगित रखने चाहिए। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। बच्चों से संबंधित जिम्मेदारियों की पूर्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है, अपने आत्मविश्वास को बरकरार रखें। धनु राशि वाले जातकों के प्रबल आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति में वृद्धि होगी और काम करने की गति में अप्रत्याशित रूप से सुधार होगा। विभागीय कर्मचारियों को अपने अधिकारियों का सहयोग और सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी, साथ ही साथ पदोन्नति की संभावनाएं भी बनती हैं। अभी तक के मेहनत और परिश्रम का फल अब मिलना चालू होगा, जिसमें उच्च के सूर्य और एक दूसरे पर बृहस्पति की दृष्टि की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा और भविष्य की योजनाओं में निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की संभावना बनती है। मकर राशि के जातकों के धन संबंधी मामलों के लिए और व्यक्तिगत रूप से पूंजी निवेश की मानसिकता बनी रहेगी और आपके प्रयासों में अधिकतर कार्य योजनाओं की सफलता संभावित है। उच्चस्थ पदाधिकारियों और शासन सत्ता का सानिध्य मिलेगा और आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कुछ दिनों से रुकी हुई कार्य योजनाएं फिर से चालू हो सकती हैं, जिसमें आपकी भूमिका और अतिरिक्त जिम्मेदारी का संकेत मिलता है। आर्थिक लाभ के नए अवसर सामने आएंगे, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी पड़ेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलता रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक क्षेत्र की चिंता लगी रहेगी और कार्य क्षेत्र के प्रति प्रयासों का दौर जारी रहेगा। नई कार्य योजनाओं में सफलता मिलेगी और साझेदारी के नए प्रस्ताव सामने आएंगे। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बरकरार रहेगा और भाग्यवश काम अच्छे होंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है और संबंधित मामलों में धन खर्च की स्थिति बनती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा होगा। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी।
कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलेगा, रुका हुआ धन वापस मिलने का संकेत मिलता है, सरकारी विभाग से मिलने वाला धन अवमुक्त होगा, कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी और कर्मचारियों का सहयोग मिलता रहेगा। अपने मन में नकारात्मक विचारों को ना पैदा होने दें, क्रियाशीलता प्रभावित हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता की संभावना बनती है, साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। सिंह राशि के जातकों के अपने जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं के लिए यह उपाय कर सकते हैं। यदि आपके द्वारा किए गए कार्यों का पूरा प्रतिफल नहीं मिलता है, जीवन में संघर्ष की स्थिति है, तो अनुकूलता के लिए दिन में सोना नहीं चाहिए तथा पिता एवं पुत्र के लिए नेक विचार रखने चाहिए। तांबे का कड़ा दाहिने हाथ में धारण करने से भी अनुकूलता प्राप्त होती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं, तो इससे बचने के लिए पानी में गुड़ प्रवाहित करें। जमीन में तांबे का चौकोर टुकड़ा दबाने से भी जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। यदि जीवन में आकस्मिक बाधाएं आती हों, तो पीपल वृक्ष के नीचे नारियल चढ़ाना चाहिए तथा लौटते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। यदि दिया हुआ धन वापस नहीं मिल रहा है, तो मुख्य द्वार के समीप बरगद की जटा लाकर बुधवार के दिन लटका देनी चाहिए और संध्या के समय मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना चाहिए। शेयर इत्यादि में अकस्मात धन लाभ के लिए नंगे पांव मंदिर जाकर अपने द्वारा की गई किसी भी गलती को मानकर ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। कौवे को मीठे चावल डालने से भी अकस्मात लाभ की संभावना बनती है। संतान सुख के लिए किसी धार्मिक स्थल पर पीपल का वृक्ष लगाएं और उसकी देखभाल करनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार को खुला रखना चाहिए। दाम्पत्य सुख के लिए सरसों के तेल से भरा हुआ मिट्टी का पात्र जमीन में दबा देना चाहिए। जिस कार्य के पूर्ण होने की कामना हो, उस काम को करने से पूर्व अथवा उस काम के लिए घर से निकलते समय मुंह में कोई मीठी वस्तु डालकर पानी पीकर निकलना चाहिए। अकस्मात सफलता प्राप्ति के लिए रविवार तक अपने हाथों से भिखारियों को गेहूं का दान करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।